हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी भोपाल में सोहेल भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत से है भाई? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सोहेल भाई, अभी भोपाल में अपन कौन सी जगह पे आ गए? भाई अपन करोद पर, अपना एकता बिलाल कॉलोनी लगता है ये एरिया। ठीक है, अपन यहाँ पर है। और कब से कर रहे हैं शौक बकरों का? भाई ये तो मान कर चले आप तकरीबन 8 से 10 साल से मैं बकरा वगैरह पाल रहा हूँ, पर वीडियो फर्स्ट टाइम आना हुआ अचानक, क्योंकि अपना नॉर्मली बकरे जो हैं बिना वीडियो के अपने सेल हो जाते थे। ओके, फर्स्ट टाइम रहा है अपना कि वीडियो पर। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप वीडियो पर आओ। वीडियो पर आने के बाद अपने कौन कौन सी ब्रीड के अंदर आप अभी अपने पास में? भाई मालवा और बरबरा से लेकर के अपने पास में गुजरी है, सिंधी है, कोटा है, ये ब्रीड्स मिल जाएंगे। और टोटल अपने कितने जानवर दिखाने वाले? भाई टोटल अपने पास में 5 आपको बकरे दिखाऊंगा मैं इसमें, बाकी 2 बकरियां हैं जो कि किड्स के साथ में है, मेल फीमेल दोनों हैं उनके साथ। और अपन सारे बकरों का रेट जानेंगे और एंड के अंदर वीडियो के लास्ट में एक पट्टी का जो भाव होता है वो भाव भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही पट्टी के अंदर सारे जानवर दे देंगे। बिल्कुल भाई, और रेट भी मैं ऐसा रखने वाला हूँ कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस रहेगा और नेगोशिएशन कर दूंगा मैं उसमें। चलिए, अच्छी जो भी रेट में रहेगा। तो इसी बच्चे से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी डिटेल बताएं आप। भाई ये 4 से 5 महीने का बच्चा है, ये बरबरा प्लस मालवा से क्रॉस है ये। ओके, आपकी होम ब्रीड है या परचेज की है? होम ब्रीड है भाई, ये होम ब्रीड है ये बच्चा। अपना घर में बकरी अपनी बरबरी थी और इसका जो ब्रीडर था वो मालवा था, तो ये मिक्स में क्रॉस ब्रीड आ गया। ये क्रॉस ब्रीड के अंदर आ गया, क्रॉस ब्रीड में। 4 से 5 महीने एज है इसकी। झालर वगैरह आप देखें, बड़ी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आई हुई है इसकी। मैंने इसकी ट्रिमिंग करवा दी थी। अच्छा, बाल उतारे थे आपने? बाल उतारे थे। वजन का अंदाजा है आपको? भाई वजन ये मानकर चले 12-15 किलो के आसपास वेट होगा बच्चे में। 12 से 15 किलो के आसपास का बच्चा है, क्योंकि ठीक है। तो अभी ये दाना वगैरह खाने लगा ना? दाना मानकर चले आप 100 से 150 ग्राम दाना ये खा लेता है। माशाल्लाह, ठीक है। प्राइस बता दीजिए इसका सिंगल में, अगर कोई लेना चाहता है। सिंगल में अगर कोई लेता है भाई 6,000 रुपए मैंने इसका प्राइस रखा है। 6,000 रुपए रीजनेबल प्राइस है, उसमें भी मैं नेगोशिएशन कर दूंगा, जो भी रहेगा स्लाइटली कर दूंगा मैं उसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है, 6,000 के अंदर भी अगर गुंजाइश हो जाएगी जी तो बहुत बढ़िया बात है वो तो जी। बाकी क्या है, रेड स्किन में है बच्चा, बाकी काफी खूबसूरत है। अभी नहलाया नहीं है क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है जी जी, तो बाकी नहलाने के बाद तो वो बहुत वाइट हो जाएगा वो। सही है, ठीक है। ये पहला बच्चा हो गया अपनी इस वीडियो का जी। इसके बाद मैं आपको एक मालवा दिखाऊंगा। सोहेल भाई, ये बकरा थोड़ा बड़े साइज के अंदर दिख रहा है जी शादाब भाई, और वजन में भी अच्छा खासा लग रहा है देखने में मुझे। ये 30 से 32 किलो एक अप्रोक्स इसका वेट आएगा, ठीक है। बाकी इसकी हाइट 30 इंच की हाइट है इसकी। ये भी होम ब्रीड का बकरा है, अपना घर का बच्चा है ये। घर का ही बच्चा जी, है ये मालवा है शादाब भाई, मालवा के अंदर ये मालवा है, बहुत ठोस बच्चा है और घर की पैदाइश है, इसलिए आप इसकी डिटेल जो है बिल्कुल परफेक्ट बता सकते हो। पूरी कंफर्म डिटेल्स मिलेगी आपको। उम्र जो है इसकी, आपने ये 9 मंथ एज है इसकी। 9 मंथ का बच्चा है। अभी क्या होता है आमतौर पे, जो लोग बाजार से जानवर लेके आते हैं तो इसी की एज बता देते हैं, 6 महीने 7 महीने, लेकिन आपके घर का बच्चा है तो आप इसलिए इसकी सही एज बता रहे हो। 9 महीने का बच्चा है, 30 से 32 किलो इसका वजन है जी जी। और अभी दांत करने में 9 महीने का है तो तकरीबन पकड़ के चलो 5 महीने इसको लेना चाहिए। 5 महीने ले लेगा मालवा ब्रीड के अंदर, 14 महीने में दांत करता है तो यह काफी टाइम ले लेगा अभी। बाकी काफी लूज है बच्चा अभी। और उसको भी आप बाल उतारे थे आपने जी? इसके भी ट्रिम करवाए थे मैंने बाल। बहुत बढ़िया। दरअसल क्या, एक मेंढा था मेरे पास में तो उसके बाल कटवाने के लिए मैंने बुलाया था ट्रिम करवाने के लिए, तो उन्होंने बकरों के भी कर दिए थे। ठीक है, इसका क्या सोच के रखा है आपने अमाउंट? भाई इसका अमाउंट जो है अपन ने 12,000 रुपए प्राइस रखा है। ओके, बाकी ये भी अपना स्लाइटली नेगोशिएशन इसमें कर दूंगा मैं। चलिए अच्छी बात है, 12,000 रुपए प्राइस है और उसके अंदर भी जो है गुंजाइश हो जाएगी अच्छी खासी। सिक्के वगैरह काफी अच्छे हैं बकरे के। अच्छा, चेहरा जो है थोड़ा अलग कलर में है जी जी जी। बाकी पूरा बकरा कॉफी कलर में आ गया है इसका चेहरा जो है जी, कॉफी कलर में, बाकी पूरा व्हाइट है बकरा माशाल्लाह। ठीक है, छोड़ के दिखा दीजिए इसको जी। और इसके बाद जो बकरा देखेंगे अपन, इसके बाद मैं आपको गुजरी बच्चा दिखाऊंगा। माशाल्लाह भाई, ये बहुत खूबसूरत कलर पैटर्न के अंदर बच्चा है। गुजरी है ये? जी जी जी, गुजरी है ये। थोड़ा सा फरी लुक में है ये भाई, परचेस किया हुआ है मेरा, ये होम ब्रीड नहीं है। कितने टाइम पहले परचेस किया भाई? ये मान करके चलो इसको मैंने परचेस किया है अभी 2 महीने के आसपास हो गया है इसको। 2 महीने के आसपास आपके पास होगा जी जी। बकरे में वजन कितना होगा? वजन इसमें मान करके चले शादाब भाई वही 32-33 किलो के आसपास रहेगा। 32-33 किलो वजन जी। और इसकी उम्र अंदाजन? ये भी 8 से 9 महीने का है। 8-9 महीने इसकी भी उम्र पकड़ लेते हैं। फर की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आजकल लोग जो है पसंद भी कर रहे हैं फर वाले बकरे। फर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बाकी सिक्का वक्का बहुत मार्बल खुर में है, सिंग भी हल्के से मार्बल आए हुए हैं इसके। हाँ हाँ,
जी बाकी रेड स्किन में है ये। अभी क्या लगता है दांत करने में ये कितना वक्त लेगा? ये तो गुजरी है तो मतलब मान करके चलें कि अपन इतना कंफर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन बाकी भी चार महीने तो चार महीने मिनिमम मान करके चलें आप ले लेगा ये। ठीक है, इसका प्राइस बताइए आप। इसका प्राइस अपन ने रखा है शादाब भाई 13,000 रुपए। 13,000 रुपए नेगोशिएबल प्राइस है ये? जी नेगोशिएबल प्राइस है। इसके अंदर भी गुंजाइश होगी? जी बिल्कुल। खासतौर से बकरे का जो चेहरा है सोहेल भाई, बहुत बढ़िया चेहरे का बच्चा है, फेस जो है व्हाइट आ गया उसकी वजह से और खूबसूरती बच्चे की बढ़ गई। जी जी ठीक है भाई, इसे भी छोड़ के दिखा दें आप। ये तो खाने पीने वाला बच्चा दिख रहा है, बच्चे सभी खाने वाले जानवर है जितने आपको दिखेंगे। ठीक है, 13,000 रुपये नेगोशियेबल प्राइस। जी नेगोशियेबल प्राइस है 13,000। ठीक है, इसके बाद? इसके बाद मैं आपको कोटा दिखाऊंगा, ये भी होम ब्रीड है, अपना घर का बच्चा है ये, माशाल्लाह। ये देखिए होम ब्रीड है। और कितने महीने का है अभी भाई? ये 9 महीने है जो इसकी, वो मालवा और कोटा 7 के बच्चे हैं ये। अच्छा 7 के ही है, 9 महीने इसकी उम्र है अभी। जी और वजन में कितना होगा भाई? शादाब भाई मान करके चलें ये भी 32-33 के आसपास इसका वेट रहेगा। अच्छा, अपने वेट तो चेक किया नहीं है किसी भी जानवर का। जी जी। लेकिन अगर किसी को लगता है तो आप वेट मशीन अरेंज करके बिल्कुल वेट बिल्कुल का वीडियो बनाकर आप भेज देंगे किसी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन वेट का कन्फर्म वेट की डिटेल्स अपन दे देंगे। ठीक है, और अभी दांत करने में ये टाइम लेगा कितना? ये भी टाइम लेगा, अभी ये 9 महीने का है, 4-5 महीने तो मान कर। कोटा एक ऐसी ब्रीड है कि कभी भी दांत कर लेते हैं, हो सकता है वो अगले महीने भी कर ले। बिल्कुल शादाब, 10 महीने में भी देखा है मैंने दांत करते हुए कोटा बकरों को। और वजन कितना बताया इसका? 32-33 वेट है ये, आप अंदाज से बता रहे हैं अपने। हाइट इसकी 33 इंच अपन ने कंफर्म नापी हुई है हाइट। हाँ, ये चीज तो उसके अंदर मिलेगी क्योंकि कोटा ब्रीड के अंदर है, हाइट बकरा अच्छी निकाल लेगा। जी अभी प्राइस बता दो उसका कितने का देने वाले हो आप? शादाब भाई अपन 14,000 रुपए में दे देंगे। 14,000 रुपए का? 14,000 में अपन ये दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर भी नेगोशिएशन जो रहेगा इसमें कर देंगे, स्लाइटली कर देंगे सभी जानवर में। ठीक है, छोड़ दीजिए भाई इसको भी, इसके भी बाल उतरवाए थे आपने? जी इसके बाल उतरवाए थे अपन ने, बाकी क्या इसमें भी काफी फरी लुक था, झालर वगैरह बहुत बड़ी थी। हाँ, और वही क्या है बाल कटवाने के बाद से थोड़ा सा उसमें लुक आपको दिख रहा होगा कि बाल कटने के बाद थोड़ा हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम देता है, 3 महीने तकरीबन पूरे लगते हैं जी बिल्कुल बकरे को प्रॉपर बाल आने में। बिल्कुल शादाब भाई। ठीक है, इसके बाद क्या बताने वाले? इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सोटिक में बताऊंगा मैं आपको, बच्चा है सिंधी। ठीक शादाब भाई, ये देखिए माशाल्लाह भाई, सिंधी ब्रीड के अंदर है और बहुत एक्टिव बच्चा दिख रहा है ये। बस खाली सर्दी की वजह से मुझे लग रहा है आपने वॉश नहीं किया, अगर ये नहा धोके तैयार होगा तो और अच्छा इसका फर जो है खुल के दिखेगा। शादाब भाई एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको अगर शेयर कर दूंगा वीडियो, जब मैंने इसको नहलाया था मुश्किल से, अभी एक हफ्ता पहले की वीडियो है। ठीक है, उसमें बहुत खूबसूरत दिख रहा है बच्चा। ओके, बाकी बहुत एक्टिव बच्चा है ये, 5 से 6 महीने का बच्चा है। ठीक है, ये जिसकी 5 से 6 महीने है, 5-6 महीने उम्र है। और वजन कितना होगा? इसका वेट मान करके चले शादाब भाई 18 से 20 किलो के आसपास आएगा। ठीक है, 20 किलो के अंदर का बच्चा है ये। वैसे भी ये बकरे तो थोड़ा स्लो ही वजन पकड़ते हैं, बिल्कुल। और इनकी जो खूबसूरती है वो पूरी बालों के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी अच्छी फर की क्वालिटी होगी उतना ज्यादा अच्छा बकरा दिखेगा ये। बिल्कुल शादाब भाई, ये होम ब्रीड या परचेस किया था? ये परचेस किया हुआ था शादाब भाई अपना। कहाँ से परचेस किया था? ये मान कर चले 2 से 3 महीना होगा, ये मैंने यहीं से बाजार से परचेस किया था मैंने। अच्छा, मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया था ये बच्चा। माशाल्लाह, तो अभी क्या सोच के रखा है अमाउंट इसका कितने में देना है ये? शादाब भाई इसको अपन 13,000 रुपए अपन ने इसका प्राइस रखा है। 13,000 रुपए आपने इसका प्राइस रखा है? जी जी। और उसमें भी जो है वो गुंजाइश अपन कर देंगे, बफ वगैरह बहुत बढ़िया है इसका, फेस का चेहरे का माशाल्लाह देखे बहुत काफी अच्छा आया हुआ है, फर की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। और अभी तो खैर बच्चा है, बहुत छोटा है ये। जी धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी बिल्कुल तो फर भी अच्छा खासा लटक के नीचे आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, इसका जो प्राइस है 13,000, उसके अंदर भी नेगोशिएट आप कर लोगे? नेगोशिएशन अपन कर देंगे, स्लाइटली रहेगा वो कर देंगे अपन। चलिए अच्छी बात है, इसके बाद क्या बताने वाले हैं भाई? इसके बाद दो बकरियां हैं अपने पास में जो कि बच्चों के साथ में किड्स के साथ में मेल फीमेल है, कोटा वो मालवा सॉरी मालवा ब्रीड में है अपने पास में बकरियां, मैं वो दिखाऊंगा उनको भी दिखा दो आप। जी बिल्कुल भाई, ये फीमेल है और निकाली यादव भाई, इसके नीचे जो है दो बच्चे होंगे, एक मेल है और एक ये फीमेल है। मेल कौन सा इसमें? ये मेल बड़ा वाला जो देख रहे हैं आप, मेल है ये, फीमेल है ये, फीमेल है। और कितने दिन के बच्चे हैं ये अभी? शादाब भाई ये इसको 1 महीना हुआ है, इसको 1 महीने हो गए। और एक महीने के बच्चे मालवा है कोटा? ये मालवा ब्रीड है, लेकिन इसके साथ जो ब्रीडर अपन ने लगाया था तो वो सेम एज इट इज इसी कलर में था ब्रीडर। अच्छा, जो बच्चों का कलर आया वो कोटा था। ठीक है, तो ये प्योर कोटा ब्रीड में जो है बच्चे इसके आए हुए हैं शादाब भाई। ओके, और बकरी की डिटेल्स बता दें आप, कौन से ब्यात की होगी ये? ये मान करके चलिए शादाब भाई ये तो मेरी होम ब्रीड है, घर की बकरी है ये। हाँ, ये 4th बार इसने बच्चे दिए हैं, ये 8 दांत कर लिए हैं इसने माशाल्लाह, 8 दांत की हो गई ये बकरी। इसकी हाइट मान करके चले आप 33 के आसपास इसकी हाइट है, वेट इसका 35 के आसपास रहेगा। ठीक है, जैसे 4 बार अभी इससे ब्रीड अपन ले चुके हैं, तो अभी और कितनी ब्रीडिंग कर सकती है? कम से कम ये मिनिमम 2-3 बार तो अभी 2-3 बार और ब्रीड कर लेगी, और ब्रीड कर देगी क्योंकि दांत इन्होंने पूरे कर लिए हैं अभी अपने। नहीं वैसे तो खैर दांत मैटर भी नहीं करते बकरियों के अंदर, ज्यादातर लोग जो है 2-4 दांत के बाद ब्रीड कराते हैं बकरियों को। जी
ठीक है, बच्चे भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। ये वाला ये फीमेल है, फीमेल है, ये छोटा बच्चा जो देख रहे हैं आप ये फीमेल है शायद भाई। लेकिन मेल का कलर मैं देख रहा हूँ ज्यादा अच्छा है, मेल का कलर इसका बिल्कुल ब्रीडर की तरह आया, इसके जो ब्रीडर अपन ने लगाया था वो काफी एक्टिव है, दोनों बहुत एक्टिव बच्चे हैं माशाल्लाह। तो कितना सेल कितने में करना है बच्चों भाई के साथ? दोनों बच्चों के साथ अपन ने बकरी का प्राइस रखा है शादाब भाई ओनली 12,000 12,000 रुपए 12,000 रुपए में बकरी के साथ में। चलो बहुत बढ़िया है भाई, इतनी कीमत तो अभी थोड़े दिन बाद बच्चे ही देके चले जाएंगे, अगर एक बच्चा भी अच्छा संभल गया तो इंशाल्लाह 12,000 से ज्यादा का तो वही मिल जाएगा। अच्छा शादाब भाई क्या है इसका जो अगर जैसे बाहर से कोई अपन भाई अगर अपन से ऑर्डर करता है तो अपने ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज रहेगा वो अलग रहेगा शादाब भाई? हाँ, वो जो भी ट्रांसपोर्ट का आएगा तो वो अलग से रहेगा, ट्रांसपोर्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन 12,000 में आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करोगे? स्लाइटली नेगोशिएशन में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी कर दोगे आप? कर दूंगा। चलिए अच्छी बात है, बकरी बच्चा और देख ली है हमने, लास्ट में एक मालवा और बकरी है जिसके साथ एक बच्चा है वो और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाई, भाई ये एंड में एक बकरी और बच्चा और बच्चा है, मालवा अपना मालवा ब्रीड में है बकरी, मालवा ब्रीड में बकरी है और बच्चा जो है ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है उसी बच्चे की तरह। जी, ये भी कोटा ब्रीडर, इसका जो ब्रीडर था वो कोटा ही था। ओके, तो ये बच्चा कोटा ही निकला है इसका, मतलब ये भी मेल बच्चे के ऊपर ही आया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेल बच्चा है ये। ठीक है, बकरी कौन से ब्याह की है? ये भी मान करके चले आप चौथी बार इसने बच्चे दिए हैं। ओके, और ये भी 8-10 हो गई है बकरी। ठीक है, 4 बार आपने ब्रीडिंग ली है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने स्टार्टिंग में कोटा बच्चा आपको दिखाया था वो इसी का ही बच्चा है। इसी का बच्चा जी, है जो मैंने कोटा आपको दिखाया ब्राउन व्हाइट पेचेस में, वो इसी का बच्चा है। ये भी आराम से 2-3 बार दे देगी? हाँ, हाँ, बिल्कुल 2-3 बार बिल्कुल इजीली। और ये बच्चा कितने दिन का है अभी? ये भी 1 महीने, सेम टाइम में बकरियों को अपन ने ब्रीड करवाया था, सेम टाइम में उन्होंने बच्चे दिए माशाल्लाह। खैर अभी तो बच्चा बहुत छोटा है तो अपन बकरी से अलग नहीं कर सकते, बकरी के साथ में सेल करना मुनासिब रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटे हैं वो, बच्चों के साथ ही ले कोई, बकरी के साथ ही ले बच्चे। बिल्कुल सही, तो अभी बता दें प्राइस बकरी के साथ में बच्चा उसका ओनली 11,000 रुपए अपन ने, 11,000 रुपए आपने इसका अमाउंट रखा है, उसमें भी आप नेगोशिएट कर देंगे इसमें। चलिए अच्छी बात है, तो अभी एंड में और ये बता दो आप। जी जानवर हो गए अपने सारे? जी कंप्लीट हो गए अपने जानवर। अगर सारे जानवर टोटल कितने जानवर हो रहे हैं बच्चे मिला के? 5 बकरे 2 बकरियां और 3 बच्चे दिखाए अपन ने, 7-8 जानवर 7-8 जानवर अपन ने देख लिया। अगर एक साथ सारे जानवर कोई लेना चाहता है तो कोई पट्टी का भाव आप हमें देना चाहते हो? शादाब भाई अगर पूरे जानवर को एक साथ में लेता है तो बकरे अपन पूरे पट्टी के साथ 12,000 रुपए में दे देंगे, और बकरियां अपन अगर कोई साथ में लेता है तो अपन दोनों के 11,000 रुपए में बच्चों के साथ अपन दे देंगे। 11,000 बकरे जो है वो 12,000 के रेट, मतलब ओवरऑल जो है 12 के आसपास का पट्टी का रेट आप खोल रहे हो। और इसके अंदर कुछ नेगोशिएट भाई इसमें कर देंगे अपन, स्लाइटली जो भी नॉर्मली रहेगा उसको अपन कर देंगे। ठीक है, फिक्स अमाउंट जो है किसी के अंदर भी नहीं, फिक्स अमाउंट किसी में नहीं, सबके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो गुंजाइश अभी है। अपन भी चाहते हैं शायद भाई सभी लोग शौक करें, अपन ने बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस पे अपन ने आपकी वीडियो पर जो है जानवरों का रेट रखा है, बाकी नहीं तो वीडियो में काफी लोग ज्यादा रेट बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी क्वालिटी में मेरे जानवर है या बहुत ज्यादा लो क्वालिटी में, मीडियम शायद भाई नॉर्मल जो भी अपन चाहते हैं कि सभी लोग शौक करें। और आप यकीन नहीं करेंगे शायद भाई कि ये जो लास्ट ईयर बकरा ईद पे मैंने बकरे मेरे पास से मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट में लोग थे मैंने मार्केट से 40% कम रेट पर लोगों को बकरे दिए कि भाई सभी कुर्बानी कर सकें। सही बात है, जिस बकरे का 16-17 हज़ार रुपए का रेट था मैंने 10-12 हज़ार के टाइम पे करने वाले हो आप इंशाल्लाह? बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो आपकी अपना फार्म हाउस है शामपुर रोड पर, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपसे वीडियो बनवाऊंगा जरूर। और अपने पास में काफी अभी बड़े बकरे भी हैं जो कोटा, इनके जो ब्रीडर्स हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कोटा है, गुजरी है, मालवा अपने पास बहुत ही एंटिक जीरापुरी मालवा अपने पास अच्छी क्वालिटी के बकरे हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा। तो ठीक है सोहेल भाई, अभी माशाल्लाह जानवर देख लिए, डिटेल और प्राइस आपने हमें सब बता दिया, अब इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।